देश इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस जगह सत्ता में है और अपना गुणगान कर रही है, तो विपक्ष जो है वो तीखे आरोपों से सरकार की घेरेबंदी कर रहा है। यह मामला झारखंड का है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में जिन परिजनों के पास कफन खरीदने के पैसे नहीं, उन्हें मुफ्त में कफन दिया जाएगा। अब उनके इस बयान के बाद से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि अच्छा ये होता कि हेमंत सोरेन कफन बांटने की जगह दवाइयों का जिक्र करते। अब बीजेपी हमलावर हुई तो झामुमो के नेता भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि बीजेपी को कफन तो दिख रहा है लेकिन दवाइयां नहीं दिख रही हैं। दरअसल बीजेपी के पास कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने की रणनीति विकसित करने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों की एक आभासी बैठक बुलाने के बाद सोरेन ने घोषणा की कि लॉकडाउन के कारण लोगों को उन्हें खरीदने में कठिनाइयों का सामना करने वाली रिपोर्ट के बीच मुफ्त में कफन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।